तो गाइस आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ 30 मिलियन ब्लॉक्स एंड पहुंचने वाला हूँ वर्ल्ड बॉर्डर पे। एंड ये करने के लिए मेरे को चाहिए एक एंडरपल, एक ट्रैपडोर, एक सोल सैंड, एक डेलाइट सेंसर एंड 5 स्केल एंड एक कुत्ता भी, ताकि मेरे को अकेलापन फील ना हो। उसके बाद गाइस मैंने सारे के सारे ब्लॉक्स कलेक्ट करे। और ये क्या है, नाले का पानी, नाइस। तो गाइस उस मिशन को मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एंड इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, आई थिंक सिर्फ जो है 1 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगता। तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले जाना है 5 ब्लॉक्स नीचे एंड गाइस यहाँ पे लगाते हैं अपनी सोल सैंड। अभी मेरे को जाना है ऊपर और एक बबल एलिवेटर बनाना है एंड बस अब लगाते हैं हम यहाँ पे कैल्प, ताकि इससे जो है हम बबल एलिवेटर बना पाए। एंड ये देखो गाइस ये वर्क कर रहा है। अभी मेरे को देखो यहाँ पे लगाना है एक ट्रैप डोर, मेरे को ऐसे लगाना है जैसे इसके ऊपर, ये जैसे इसको तोड़ देता हूँ, इसको खोल देते हैं। यहाँ पे लगा देना है मेरे को डे लाइट सेंसर एंड इसको कर देना है ब्लू। एंड अब जो है गाइज मेन काम आता है, तो यहाँ पे कहाँ गया भाई मेरा एंटरपल। अब मेरे को इस पे एंटरपल थ्रो करना है, बहुत ही बीचों बीच करना है आराम से, ओके। एंड ये देखो बस अभी जो है गाइज ऊपर आ जाएगा, ये देखो गाइज ये ऊपर आ चुका है ना। बस मेरे को जो है वेट करना है रात होने का एंड फिर आपको जो है मैं मैजिक दिखाता हूँ ये करता क्या है। तो गाइज देखो रात हो चुकी है एंड अब जो है गाइज मैं आपको सो के दिखाता हूँ कि होने क्या वाला है। एंड ये देखो गाइज मैं हो चुका हूँ टेलीपोर्ट यहाँ पे, ये कमाल है इस मशीन का। एंड इस मशीन का नाम है एंडरपल स्टेसिस चैम्बर एंड अब जैसे इसके अंदर मैं दोबारा से जो है सेम एंडरपल डालूंगा तो ये सेम ही काम करेगी। एंड गाइज अब इससे ही क्या होगा कि चाहे मैं 100 ब्लॉक्स दूर हूँ, चाहे मैं 30 मिलियन ब्लॉक्स दूर हूँ, ये मेरे को वापस घर पे टेलीपोर्ट कर देगी। लेकिन अगर मैं 30 मिलियन ब्लॉक्स दूर हूँ तो ये जो है मशीन काम नहीं करेगी, क्योंकि उस टाइम जो है ये एरिया लोड नहीं होगा। तो एरिया को लोड रखने के लिए, चाहे मैं 30 मिलियन ब्लॉक्स दूर हूँ, तो उसके लिए मेरे को एक मशीन बनानी पड़ेगी जिसे कहते हैं चंक लोडर। तो गाइस ये जो चंक लोडर है, मशीन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो इस वजह से जो है मैं आपको जो है गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ट्यूटोरियल का, जहां से मैंने खुद देख के बनाया। अगर आप बनाना चाहते हो तो वहां पे बना लेना। एंड गाइस जितना मैं मशीन बना रहा हूं, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं गाइस, मैं करंटली रेस में हूं 500,000 सब्सक्राइबर विद महू मोगैम्बर एंड वो मेरे से बहुत ही ज्यादा आ गया। अगर तुम चाहते हो कि मैं उससे पहले 500,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करूं तो अभी जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड या गाइस ऑल्सो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगी इस वीडियो में। एंड तो गाइस ये देखो चंक लोडर बना दिया मैंने, ये सेम ही जो है नेदर में बनाया और ये ओवरवर्ल्ड में बनाया। अब बस गाइस मेरे को क्या करना है, मेरे को इस चंक्स को अनलोड करना है बेसिकली अपने जो एरिया है बेस को, इससे काफी दूर चलते हैं और वहां पे जाके सो के दिखाता हूं कि ये वर्क करता है या नहीं। मैंने पहले एंडरपल तो सेट कर दिया वहां पे एंड उसी चंक के ऊपर मैंने चंक लोडर भी बनाया है, तो देखते हैं गाइस ये वर्क करता है नहीं। ओके तो गाइस मैं अपने जो है पैरामीटर के पास आ चुका हूं, 100% मेरा बेस वाला एरिया जो है लोड नहीं है। देखते हैं गाइस सो के ये वर्क करता है नहीं। एंड ओ भाई ये देखो गाइस इसने मेरे को लिटरली ट्रैवल करवा दिया 300 ब्लॉक्स भाई साहब। तो मतलब 300 करा सकता है, 300 मिलियन नहीं, 3 कितना करना है भाई, तो 30 मिलियन ब्लॉक्स भी हमें ट्रैवल करवा ही सकता है। तो गाइज ये कमाल है चंक लोडर और एंडरपल स्टेसिस चैम्बर का। एंड तो गाइज अब ये तो दोनों मशीनें बन चुकी है, तो अब गाइज मेरे को क्या करना है, मेरे को ग्राइंड करनी है अपनी इलाइट्रा। एंड इलाइट्रा से मेरे को याद है कि मेरे पास 4 शल्कर बॉक्सेस भर के ऑलरेडी इलाइट्रा पड़ी हुई है, दिखाता हूँ तुम्हें भाई ये देखो। एंड जिनको लग रहा है भाई क्रिएटिव यूज कर रहे हो, ओह माय गॉड, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो वीडियो आ रही है तुम्हारी स्क्रीन पे इसको जाके देख लेना। इसी वीडियो के अंदर जो है मैंने 100 इलाइटर्स कलेक्ट करी थी एंड मैंने जो है गाइस सारी कैलकुलेशन कर ली है। अगर मेरे को ट्रैवल करना है इतने ज्यादा ब्लॉक्स तो मेरे को टोटल चाहिए होंगी 81 इलाइटर्स विद मेंडिंग एंड अनब्रेकिंग 3। भाई साहब बहुत टाइम लगने वाला है इसमें। तो गाइस मेरे पास जो है एक विलेजर है जो कि मेंडिंग और अनब्रेकिंग की दोनों की बुक्स बेचता है एक ही साथ में। एंड अब पता क्या करने वाला हूं इसको, सबसे पहले तो गाइस मैं यहां से बाहर निकालता हूं एंड इसको गाइस देखो मैंने यहां पे कैप्चर कर लिया है। मेरे को जो अभी इसको एक ज़ॉम्बी से कटवाना है, तो गाइस ये देखो मैंने इसको अभी कटवा दिया है एंड अभी मेरे को जो है पोशन लेके आने हैं एंड उसके बाद इसको क्योर करते हैं फिर। एंड गाइस ये देखो ये क्योर हो चुका है एंड भाई देखो कितनी सस्ती ट्रेड कर दिया है यार इसने। तो गाइस मैं भी जो आया हूँ अपने रेड फार्म पे, यहाँ पे मेरे को जो है 5 कैप्टन पिलेजर्स को मारना है ताकि मेरे को बैड ओवन 5 का इफेक्ट मिल पाए और मैं रेड ट्रिगर कर पाऊँ। एंड आई थिंक उसके बाद जो है मेरे को इनफ एमरल्ड्स मिल जाएंगे इतनी बड़ी वाली रेड से। एंड गाइस इतना जो है मैं इन 5 कैप्टन्स को मार रहा हूँ। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों को मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मैं पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाओ, वहाँ पे Q&A में आपको क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे जैसे कि ये। यस अगर तुम इस क्वेश्चन का जवाब जानना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, उसको फॉलो करो। भाई मेरे दोस्त बेइज्जती कर रहे थे कल, मेरी कह रहे कि भाई तेरे यूट्यूब पे 2.5 लाख होने वाले हैं, भाई तेरे इंस्टाग्राम पे 3,000 भी नहीं है। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर द फैन आर्ट्स ऑन द डिस्कॉर्ड सर्वर। डिस्कॉर्ड सर्वर आजकल बहुत एक्टिव रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लो गाइज। एंड यस तो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ तो। एंड ये तो अपना दोनों एनचांटेड है, ये देखो गाइज पूरा का पूरा बॉक्स जो है एनचांटेड राइटर से मैंने भर दिया है
एंड गाइस ऐसे ही जो है मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मैंने लिटरल आई थिंक मेरे को लगे 3 से 4 घंटे इन्हीं सबको जो है बुक्स को कंबाइन करने में एंड सबको लाइक एंजॉइंट करने में। लेकिन उसके बाद जो गाइस मेरा सेकंड भी हो गया एंड कुछ देर के बाद गाइस मेरा थर्ड बॉक्स भी हो गया एंड अब हमारे पास आ चुकी हैं टोटल 81 इलाइट्रा जितनी मेरे को चाहिए। तो गाइस अभी हमारे पास इलाइट्रास तो हो चुके हैं लेकिन हमें जो है काफ़ी सारे फायरवर्क्स भी चाहिए एंड मैं जो है बनाने वाला हूँ Duration 3 के फायरवर्क्स जिनमें बहुत ज़्यादा गन पाउडर लगता है। लकीली मेरा जो शुगर केन फार्म है और गन पाउडर फार्म है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ये देखो। तो गाइस अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं AFK करता हूँ सीधा 10 घंटे का एंड 10 घंटे के AFK के बाद आपको सीधा मिलता हूँ। तो गाइज मैंने कर लिया है 10 घंटे का AFK एंड अभी जो है मैं अपने सारे शल्कर बॉक्सेस को लेके जाता हूँ एंड जितना गन पाउडर एंड शुगर केन हुआ है उसको भर के अपने बेस पे लेके आता हूँ। ओके 11, 12 एंड गाइज यहाँ पे हो चुके हैं 12 शल्कर बॉक्सेस फुल ऑफ गन पाउडर एंड 3 शल्कर बॉक्सेस फुल ऑफ शुगर केन। तो गाइज अब जो है Duration 3 के रॉकेट्स को क्राफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जब बस मैंने क्राफ्टिंग स्टार्ट कर दी एंड उसमें तुम्हें पता ही है भाई कोई ऑटोमेटिक क्राफ्टिंग का सिस्टम है ही नहीं भाई साहब, बहुत ज्यादा टाइम लग गया लिटरली लाइक आधा घंटा लग गया मेरे को क्राफ्ट करने में इसको। इसके बाद जो है टोटल 12 शल्कर बॉक्सेस फुल ऑफ Duration 3 रॉकेट्स जो है हमने बना लिए एंड अब आपको जो है फर्क दिखाता हूँ Duration 1 और Duration 3 के रॉकेट का। तो गाइज ये रहा सबसे पहले Duration 1 का रॉकेट, नॉर्मल रॉकेट आराम से उड़ जाएगा तुम सबको पता है बेसिकली ये। एंड अब आता है Duration 3 का रॉकेट। ओ डैम ब्रो भाई साहब कितने आगे लेके जाता है ये देखो भाई, देखो ये Duration 1 सिर्फ थोड़ी सी स्मोक एंड ये देखो Duration 3 में ओ भाई साहब। एंड आई गेस अब जो है ऑलमोस्ट सारा सामान जो है मेरे को चाहिए था वो मैंने कलेक्ट कर लिया है। बस गाइज अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक इंडियन फ्लैग का बैनर बनाना है एंड कुछ मेरे को रेडस्टोन का सामान लेना है ताकि वहाँ पे जाके जो है वर्ल्ड बॉर्डर हम थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट कर पाए। तो गाइज ये रहा सारा का सारा रेडस्टोन सामान जो मेरे को चाहिए एंड इसका मैं क्या करूँगा आपको वर्ल्ड बॉर्डर में दिखाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा लाइक यूनिक सी चीज़ है। एंड गाइज अब वन लास्ट थिंग रहती है जो कि है इंडियन फ्लैग का बैनर। ओके तो अभी मेरे को करना क्या है, मेरे पास सारी डाई आ चुकी है तो अभी मेरे को लूम को यूज़ करना है, यहाँ पे लगाना है बैनर मेरे को ब्लू वाली लेनी है जो सबसे पहला डिजाइन होता है वो वाला एंड फिर ऑरेंज लगा के ओके ये वाला हटा दो। अभी मेरे को लेना है ये वाला साइड यस एंड अब जो है बस मेरे को ग्रीन लगा के ले ली है दूसरी साइड। तो गाइस ये देखो यहाँ पे बन चुका है ये इंडियन फ्लैग। आई नो ये मतलब इतना वो अच्छा नहीं लग रहा देखने में, इसको पहले लगा के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ठीक है गाइस क्लोज लग रहा है, आई मीन ये नहीं है कि इतना बुरा नहीं है, ठीक ठाक लग रहा है, चल जाएगा अपना काम। तो गाइस आई थिंक अब जो है हमारा काम हो चुका है, बस गाइस अब चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी ऑफ 30 मिलियन ब्लॉक्स। ओके तो गाइस बस एक काम करना है मेरे को अपने एंडर पल्स स्टेसिस चैम्बर को चलाना है। सबसे पहले तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, क्या ये चल रहा है मेरे को एक बार देखना है। बत्ती ओके यस गाइस ये देखो बत्ती ओके ठीक है, अपना चंक लोडर ओवरवर्ल्ड में चलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो है मैं अभी लगा देता हूँ यहाँ पे अपना एंडर पर्ल और बिल्कुल बीच में थ्रो करना है मेरे को ताकि साइड में ना गिरे ये। एंड यस एंड गाइस ये देखो मेरा नेदर में भी जो है चंक लोडर अभी सही चल रहा है, तो अभी ये जो है वर्क करेगा, जब तक मैं अभी नेदर में हूँ तब तक तो वर्क नहीं करेगा, जब मैं ओवरवर्ल्ड में आऊँगा तब वर्क करेगा। तो अभी तो गाइस अब जो है बारी आ चुकी है, अभी मेरे को जाना है सबसे पहले सीधा ऊपर, बिल्कुल सीधा ऊपर जाना है 10,000 ब्लॉक्स एंड फिर मेरे को जो है 45 डिग्री का एंगल लेना है और फिर जाना है जिस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ नेदर का। सबको पता है गाइस कि जो नेदर का जो है एक ब्लॉक ओवरवर्ल्ड के 8 ब्लॉक्स के बराबर है, तो अगर मेरे को ओवरवर्ल्ड में 30 मिलियन ब्लॉक्स पे जाना है तो मेरे को नेदर में ट्रैवल करना पड़ेगा 3.75 मिलियन ब्लॉक्स एंड उसी हिसाब से मैंने 81 इलाइट्रास भी कलेक्ट करी हैं एंड इसी जर्नी में टाइम लगने वाला है 40 आवर्स का। एंड तुम्हें पता ऑब्वियसली मैं 40 आवर्स का तुम्हें गेम प्ले नहीं दिखाऊंगा बट तुम्हें मैं बहुत अच्छे अच्छे मेन पार्ट्स दिखाऊंगा। सबसे पहले अभी मेरे को देखना है कि पहले इलाइट्रा को टूटने में कितना टाइम लगेगा एंड हमें जो है वो कितने सारे ब्लॉक्स तक पहुंचा पाएगी देखते हैं। तो गाइस पहली इलाइट्रा की हालत खराब हो चुकी है एंड जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे को पता चला था कि एक इलाइट्रा जो है सिर्फ 48,000 ब्लॉक्स तक ही जो है मूड आ सकती है, तो 10,000 ब्लॉक्स में ऊपर गया था एंड 39 तो ये रहे यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 50,000 ब्लॉक्स में ट्रैवल कर सकता हूँ एक इलाइट्रा से। एंड इसको जाएगा इसमें अभी स्विच कर देता हूँ भाई मर जाएगा। बेडरॉक में एक्चुअली हम ऐसे स्विच नहीं कर सकते, देख जावा में ऐसे स्विच कर देंगे मैं नीचे नहीं गिरूंगा, अगर बेडरॉक में करा तो नीचे गिर जाऊंगा। तो गाइस ये देखो मैं पहुंच चुका हूं 2,00,000 ब्लॉक्स एंड मैं 8,000 ब्लॉक्स जो है हवा में उस टाइम। तो बस गाइस कहने को तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो अपनी जर्नी को बस कंटिन्यू रखते हैं।
तो गाइस ये देखो मैं 5 लाख ब्लॉक्स दूर पहुंच चुका हूँ भाई साहब। एंड गाइस ये देखो इलाइट्रा की हालत दिखाता हूँ तुम्हें भाई, ये देखो भाई कितनी सारी की सारी इलाइट्रा मेरी टूट चुकी है। एंड अभी जो है मेरे को लाइक रीफिल करनी पड़ेगी भाई, ये देखो इन सब को तो पहले भाई इधर रखो। एंड सारी की सारी गाइस इलाइट्रा यहाँ पे मैंने रीफिल कर लिया, आई एम रेडी टू गो अगेन। एंड चलते आई थिंक अब जो है मैं सीधा आपको मिलूंगा मिलियन ब्लॉक्स पे। ऐसे ही है गाइस देखो मैं तुम्हें लिटरली सही सब कुछ दिखाना चाहता हूँ लेकिन खुद मैंने 40 आवर्स रिकॉर्ड नहीं करा है बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, तो या मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। एंड या बाकी तुम्हें पता ही है बोरिंग ही होएगा, मेरे को उड़ना है और चल बस उड़ना है भाई, कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए मेरे पास। तो गाइस ये पहुंच चुका हूं मैं 1.1 मिलियन ब्लॉक्स भाई साहब। यार देखो इंडिया में किसी ने नहीं करा गाइस पहले, तो मैं बताना ही भूल गया तुम्हें, इंडिया में किसी ने नहीं करा ये। एंड मेरा पहला इलाइटर का डब्बा भी खत्म हो चुका है। एंड तो गाइस आप देख सकते हो कि इसमें से जो है मेरी एक इलाइटर टूट चुकी है बिल्कुल जीरो ड्यूरेबिलिटी वाली, उसकी स्टोरी मैं आपको बता देता हूं। इतना फील कर रहा हूं एक्चुअली मैं जो था अपने बेड पे लेटा हुआ था एंड जो है अपनी गेम चल रही थी आराम से, एएफके था मैं बेसिकली। एंड मैंने देखा कि मेरी जो है इलाइटर टूट चुकी है, मैं एकदम से मेरा पैर लगा मेरे मेज पे, मेरा सिर लगा मेरे बेड पे, फिर भी मैंने अपनी जान बचा ली लेकिन किस कीमत पर। तो गाइस अभी मैं हवा में हूं और मैं पहुंच चुका हूं, पहुंच जा भाई 3 मिलियन ब्लॉक्स गाइस सीरियसली यार। गाइज मैं अब भी हवा में हूँ एंड तो बस गाइज अभी मेरे को 7.5 लाख ब्लॉक्स और जाना, आई थिंक मैं पहुंच सकता हूँ आपको गाइज, मैं वहीं सीधा मिलता हूँ यार, दिस इज इनसेन यार सीरियसली। तो गाइस एक प्रॉब्लम आ चुकी है, मेरी सारी की सारी लाइटर जैस ए टू जेड तीनों के तीनों डब्बे खाली हो चुके हैं एंड सारी की सारी टूट चुकी हैं। एंड अभी भी मेरे को जो है 1.5 लाख ब्लॉक और जाना है, तो अभी मेरा प्लान ये है कि मैं जो है अपना एक पोर्टल बना के अपने ओवरवर्ल्ड में जाता हूँ एंड उसके बाद जो है मैं अपना एक दूसरा पोर्टल दूर बना के नेदर में जाके जो है अपनी 6 लाइटर्स को रिपेयर कर लेता हूँ। ओके पोर्टल तो गाइस मैंने यहाँ पे लाइट अप कर लिया है। ओके तो गाइस चलते हैं अब यहाँ पे। ओके भाई साहब यहाँ पे जो है अभी बारिश हो रखी है गाइस, देखते हैं कोड्स कितने हैं। ओह माय गॉड आई एम एट 28 मिलियन ब्लॉक्स दूर भाई, 28 मिलियन ब्लॉक्स दूर हूँ मैं अपने घर से, दैट इज प्योर इनसैनिटी भाई साहब। ओके तो गाइस अभी जो है मैं यहाँ पे दूर पे पोर्टल बना दिया एंड मैं आ चुका हूँ ये नेदर में। तो गाइस अब जो है आप लाइटर की रिपेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैंने 6 की 6 लाइटर्स को रिपेयर कर लिया, एक मैंने डाल रखी है और 5 रही हमारे पास यही लाइटर। तो आई गेस गाइज अब और कोई काम नहीं बचता है, मेरे को देखना है अभी सीधा ऊपर उड़ना है। एंड गाइज अब आपको मैं सीधा मिलता हूँ हमारे गोल पे 3.75 मिलियन ब्लॉक्स दूर इन नेदर। तो गाइज ये देखो मैं पहुंच चुका हूँ 3.75 मिलियन ब्लॉक्स इन नेदर भाई साहब। तो गाइज अभी जो मैं फायरवर्क्स वगैरह रख देता हूँ, अपना सामान निकाल लेता हूँ एंड बनाते हैं यहाँ पे अपना नेदर पोर्टल। तो गाइज ये बन चुका है नेदर पोर्टल एंड यहाँ पे अपना एंडर चेस्ट में तोड़ के अपने साथ ले लेता हूँ। एंड गाइज आई थिंक मेरे पास बैनर भी है हमारा, मेरे पास सब कुछ है। ओह माय गॉड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइज। ओके ओके ये रहा 3.75 मिलियन ब्लॉक्स इन नेदर। एंड गाइज अब चलते हैं अपने ओवर वर्ल्ड में। ओके गाइज देखते हैं भाई मैं वर्ल्ड बॉर्डर पर कभी बाहर ना जाऊँ। ओके तो गाइज ये देखो हम पहुँच चुके हैं ओवर वर्ल्ड में एंड ये रहा हमारा वर्ल्ड बॉर्डर। जो लोग कहते थे कि माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड का कोई भी एंड नहीं है, ये रहा भाई एंड माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड का, जो सर्वाइवल में डेवलपर्स ने डाला है जो एंड, ये रहा वो वर्ल्ड बॉर्डर जो कि है 30 मिलियन ब्लॉक्स दूर फ्रॉम वर्ल्ड स्पॉन भाई साहब। ओह माय गॉड ओ भाई साहब यहाँ पे एक ओशन मॉन्यूमेंट भी है, पर वो ये सब तो छोड़ो। यहाँ पे गाइज सबसे पहले लगाते हैं अपना इंडियन फ्लैग, पहले तो इसको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा स्टेज बना देते हैं, यू नो
ओके इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, यहाँ पे करो। एंड गाइज ये लगा दिया है मैंने हमारा इंडियन फ्लैग यहाँ पे, भाई साहब फीलिंग प्राउड इंडियन। ओके ओके भाई मेरे से नहीं होगा। तो गाइज अभी जो तुम्हें रेड स्टोन का जादू दिखाता हूँ, यहाँ पे लगाना है हमें एक पिस्टन, और इसके बाद जो है मेरे को चाहिए दो अलग टाइप की स्लैब, एक ले लेता हूँ मैं ये, और एक ले लेता हूँ जंगल वाली स्लैब, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। ओके तो पहले कोबल स्टोन, जंगल वाली को लगाना है यहाँ पे। एंड बूम गाइस ये देखो मैंने बना दिया है एक नए टाइप का ब्लॉक, ये जो है सिर्फ यहीं पे पॉसिबल है वर्ल्ड बॉर्डर पे, क्योंकि वर्ल्ड बॉर्डर के बाहर जो है पिस्टन कुछ पुश नहीं कर सकते। जो गाइस अलग अलग स्लैब होती है हम एक दूसरे के ऊपर नहीं लगा सकते, यहाँ भी जो है मैंने पिस्टन पुश करा है, बिकॉज यहाँ पे जो है वर्ल्ड बॉर्डर है तो पिस्टन जो है इससे आगे नहीं पुश कर सकता, ये चीज़ आप सिर्फ यहीं पर कर सकते हैं, एंड मैंने ये कर दिया है। एंड भाई मेरे को बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है, बस अभी जो है गाइस मेरे को रात का वेट करना है, उसके बाद हम घर पर जा सकते हैं। मैंने बहुत सॉलिड अचीवमेंट कंप्लीट करी है वो आज। तो गाइज रात हो चुकी है अभी, आई थिंक सोने का टाइम आ चुका है, एंड अलविदा कहने का टाइम आ चुका है वर्ल्ड बॉर्डर को। तो गाइज अभी मैं सोता हूँ, एंड गाइज बस मैं पहुँचने वाला हूँ घर पे, एंड मैं ये पोहो वे वेट वेट व्हाट आई एम स्टक स्टेप्स।